दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि CISF के कॉल लेटर बहुत बच्चों के आ गए और उसमें कौन कौन से कागज़ बन बने, ये इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो मैं आज फिर से आपको समझा रहा हूँ। आपको देखो, इसमें ये कंप्लीट फॉर्म है, ये पहला पेज इस टाइप का, ये लोगों का लगाता है, और जितने भी पेज है ना इसके नीचे वाले सारे के सारे पेज सबके सेम होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये तीन पेजों के बारे में बताऊंगा जो आपको कागज बाहर से बनवाने हैं ना, वो वाले। ठीक है, तो देखो, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये वाला, और इसका हिंदी में अर्थ होता है साक्षी। जो कोई साक्षी है ना, किसी की गवाह दे रहा है या उस तरीके से इसको साक्षी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस फॉर्म के बारे में बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या दिया गया है। पहला यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से वार्निंग दी है ना, यहाँ से द फर्निशिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन इफ द सस्पेंशन ऑफ एनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन द अटेंशन फॉरम वुड बी डिसक्वालिफिकेशन एंड लाइकली टू रेंडर एन कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें इसमें सीधी सीधी बात कही गई है। मैं वैसे इसकी हिंदी भी आपको बता देता हूँ, इसकी करके वहाँ पे मैंने ये दूसरा ऐप यूज करके इसकी हिंदी की है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया गया है, देखो, अनुल्लंघन अनुप्रमाण पत्र, चेतावनी अनुप्रमाणन पत्र में झूठी सूचना देना, उसमें भी ये फाल्स लिखा हुआ था, किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अयोग्यता होगी और सरकार के तहत रोजगार के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने की संभावना है। अगर हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा चलाया गया है, बाध्य किया गया है, जुर्माना दोषी ठहराया गया है या प्रतिबंधित बरी आदि पूरा होने और जमा करने के बाद हस्ताक्षर पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, तो यहाँ तक अपन फिर से उसी पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल इसकी यही जानकारी थी। ये वाले जो 3 1 2 3 है ना, ये 1 2 3, इनमें यही कहा गया है कि आप अगर कहीं अरेस्ट हुए हो या आपके ऊपर कभी मुकदमा चला हो, और या आप यहाँ पे कोई भी गलत जानकारी देते हो, या आप अनफिट हो, या आपने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, तो उसके बारे में बताया गया है कि आपने ऐसा किया है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को मतलब ना फिल करें। ठीक है, इसको ना जमा करें, और आपने ऐसा कुछ जुर्म किया है तो वो ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई केस वगैरह लगा है तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपको इसको फिल करना कैसे, इसका हिंदी अर्थ आपने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपको 5x7 का, शॉप पे जाके आपको दुकानदार से बोलना है कि 5x7 का हमें फोटो बना दो। ठीक है, एक आपको फोटो बनवा लेना है, पहला काम। ठीक है, और फिर आते हैं इस वाले पेज पे, इसमें क्या भरना है। ठीक है, आपको शायद आप जब वहाँ पे जाओगे ना अपना SHO से, अपना जो थाने में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने, तो वो आपको बोलेगा आप ये पहले फिल करके जाओ। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, ये 1x1 आप समझ लो। ठीक है, देखो, पहला पॉइंट आप समझ लो, आपको अपने कैपिटल में अपना नाम लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। ठीक है, और ऐसे नाम कैसे लिखना है, अगर इसमें बोला गया, अगर आपका कोई उपनाम है तो वो लिख देना। वैसे आपका, मुझे पता है आपका एक ही कॉल लेटर में एक ही नाम होगा। सपोज करा मेरा नाम ऐसे आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फिल करना है, मेरा नाम फिल करके बता देता हूँ, एस सोमिंदर और मीना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऐसे फिल करना है, इसमें इस लाइन में यहाँ पे कंप्लीट आपने अपना नाम फिल कर देना है। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे दिया गया है दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट एड्रेस, फुल विलेज, थाना एंड डिस्ट्रिक्ट एंड हाउस नंबर। सपोज करो आपका विलेज है, मेरा विलेज है, यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ मैं इस बार। ठीक है, ये मेरा विलेज है, सपोज करो महा मेरा विलेज है ना, और जो फिर यहाँ पे मेरा थाना, नज़दीकी मेरा थाना कौन सा लगता है, जहाँ पे आपको SHO के साइन करवाने ना, वहाँ के थाना। सपोज करो मेरा थाना लगेगा नांदोती। ठीक है, ऐसे नांदोती मेरा थाना लगा, ऐसे हमारे पास में जगह नांदोती। तो यहाँ पे आपको ये, मैं क्या है, इसमें ये वाला पेन थोड़ा मोटा है तो इसलिए आपको स्पेस में जगह आ जाएगी। ठीक है, इसी लाइन में आपको फिल करना है, और आपको डिस्ट्रिक्ट ऐसे, मैं जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने राजस्थान में अपना डिस्ट्रिक्ट भर दिया करौली। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया, और आपके जो भी हाउस नंबर है, अगर आप शहर में रहते हो तो हाउस नंबर होते हैं, गाँवों में तो हाउस नंबर ज़्यादातर होते नहीं है। ठीक है, और आपने अपना अगर तहसील भी फिल कर देनी है कि तहसील मेरी ये वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसमें आपको फिल करना है। थर्ड पॉइंट भी यही दिया गया है, इसमें क्या है, होम एड्रेस। देखो, आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, प्रेजेंट एड्रेस का मतलब जो फिलहाल आप रह रहे हो, जैसे सपोज करो आपका गांव अलग जगह है और आप जयपुर में रह रहे हो, पर मैं ये कहता हूँ अगर आपने एड्रेस एक ही दिया है ना, तो दोनों जगह सेम एड्रेस फिल कर देना। अपना जो ये होम एड्रेस है ना, यही प्रेजेंट एड्रेस में आप फिल कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे किराए से रह रहे हो तो आपका वो परमानेंट तो हुआ नहीं,
प्रेजेंट है, अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको होम एड्रेस ही दोनों जगह फिल करना चाहिए, ठीक है। ये उसमें दिया गया है प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस में ही आपको वही कंप्लीट अपना विलेज का नाम, अपने थाने का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना हाउस नंबर और अपनी तहसील का नाम, ये आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में आपको ये फिल करना है, समझ रहे हो ना। और ये सेकंड नीचे दिया गया है बी पॉइंट, पाकिस्तान बांग्लादेश अदर ईस्ट पाकिस्तान एंड द एड्रेस कंट्री ऑफ द डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन यूनियन। मतलब अगर आप पाकिस्तान से आए हो या वहाँ पे रहे हो तो वो आपको फिल करना है। तो आपको वैसे आप कोई ऐसा नहीं होगा तो इसलिए आपको ये खाली छोड़ देना है, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट में बी में नहीं भरना, आपको यहाँ तक अपना सारा एड्रेस फिल कर लेना है, ठीक है, समझ रहे तो आप होंगे आराम से। और आपको फोर पॉइंट क्या दे रखा है, फोर पॉइंट है अवेलेबल। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे जरूर अपने आधार कार्ड संख्या फिल करें, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो भी चलेगा, ठीक है। पैन कार्ड का भी यही रूल है, अगर आपके पास पैन कार्ड है, इसमें दिया गया है कि कंपलसरी नहीं है, बट आप अगर आपके पास है तो आप जरूर फिल करें, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड के नंबर फिल कर सकते हो अगर आपके पास है। और नेशनलिटी आपको पता है, यहाँ पे आपको इंडियन आ जाएगा, है ना, आई ए एन डी आई ए एन, है ना, तो यहाँ पे आपको इंडियन भर देना है, ठीक है। और ठीक है, आपको यहाँ पे इंडियन फिल कर देना है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट अच्छे से समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे फिल कर देनी है। सपोज करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 02 और 07 और 990, सपोज करो आपकी 1994, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है इसी लाइन में, है ना। हल्के हल्का थोड़ा छोटा लिखना है, क्योंकि इसमें आपको फिर प्रेजेंट एज भी लिखनी है। जैसे प्रेजेंट एज अगर 94 को संभाले तो आपके लिए एज लगभग कितनी हो गई, 26, है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट एज, और ये एज ऑफ मेट्रिकुलेशन ये करना है ना, ये 10वीं की मार्कशीट होती है ना आपकी, 10th मार्कशीट, 10th मार्कशीट में आपको क्या है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, तो आपको उसके हिसाब से फिल करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, आठवां पॉइंट, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अगर नहीं समझ में आया ना तब आप कमेंट कर देना कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं इसके लिए चाहे तो और लाइव आके आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैलेस ऑफ व्हाट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच द सुटेड, मतलब आप जहाँ रहते हो, ठीक है, वो पैलेस का नाम लिखना है। सपोज करो आपका आपका जन्म कहाँ हुआ था पहले, सपोज करो आपका गांव, ज़्यादातर लोगों का गांव में हुआ है, ठीक है, तो आप अपना गांव का नाम लिख देना है यहाँ पे, गांव का नाम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कौन सा जिला है वो जिले का नाम लिख देना है, ठीक है, और कौन से स्टेट में हुआ है वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब सबके पास तो जन्म प्रमाण पत्र होता नहीं है, फिर भी आपको अपने विलेज का लिखना है, ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है ना वो वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है बी वाला, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच बिलोंग, तो आप कौन से, और ये भरना है आपके फादर का, मतलब आपके पिताजी कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको देख डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरी करौली है तो यहाँ पे करौली फिल कर देना है, ठीक है, करौली फिल कर देना है। और आपका स्टेट कौन सा लगता है, मेरा राजस्थान लगता है, तो इस तरीके से राजस्थान फिल कर देना है, ठीक है। आपके फादर अगर कोई अदर स्टेट के, तो आपके फादर का, जैसे सपोज करो मेरे फादर अगर यूपी के होते तो मुझे यहाँ पे यूपी फिल करना होता, ठीक है, और यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट होता तो मुझे वो डिस्ट्रिक्ट फिल करना होता, तो इस तरीके से, ठीक है। तो फादर का भी आपको फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। और ये तो आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और योर रिलीजन, ठीक है, आपको धर्म कौन सा है, जैसे आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे हल्का छोटा सा पॉइंट लिख देना है। आर यू मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, तो ठीक है, आपको यस और नो कर देना है। अगर आप ST SC है ना, और OBC है ना, OBC में से किसी भी कास्ट के लड़के हो या लड़की हो आप, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको नो नो फिल करना है, ठीक है। तो ये इसमें दिया गया है ना। और नेक्स्ट पॉइंट समझ देते हैं, दस वाला, 10वीं, द पर्टिकुलर ऑफ पैलेस विद द पीरियड ऑफ रेजिडेंट वेयर यू हैव रेजिडेंट ऑफ फॉर मोर देन 1 ईयर एट टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, 5 ईयर इन द केस स्टे अब्रॉड इंक्लूड पाकिस्तान, पर्टिकुलर ऑफ द पैलेस वेयर यू हैव रेजिडेंस फॉर मोर 1 ईयर आफ्टर अटेंडिंग द ईयर 21, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि आपने पिछले 21 साल के अंदर, ठीक है, 21 साल में आप कहीं विदेश में जाके रहे हो, है ना,
विदेश में वो देश पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया है, अगर आप विदेश में रहो हो तो उसकी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जानकारी, अगर आप विदेश में रहो हो, कोई बंदा इसमें से हो, तो आपको देखो यहाँ पे आप उस टाइम की डेट फिल कर देना जब आप गए थे, ठीक है। और अगर और कब तक आप रहे हो, कौन सी जगह, और वहाँ का थाना कौन सा था, और कहाँ कहाँ रहे थे, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी नहीं गए हो तो आपको ये खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं फिल करना है, ठीक है। और 11वां पॉइंट आपको समझा देता हूँ मैं, नेम ऑफ फुल एरियाज। 11वां पॉइंट भी यही बातें कर रहा है जो फिलहाल हो रही थी ना। तो 11वां पॉइंट भी आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। 11वां पॉइंट भी आपको फिल नहीं करना है अगर आप बाहर नहीं रहे हो तो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन एंड डॉटर इन केस दे आर स्टूडिंग लिविंग फॉर कंट्री। अगर देखो आप, अगर कोई शादीशुदा है, ठीक है, आप में से कोई शादीशुदा है और आपके बच्चे कहीं दूसरी, मतलब फॉरेन कंट्री में पढ़ रहे हो, विदेश में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप विदेश में पढ़ रहे हो तो आपको उनकी जानकारी देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12वां पॉइंट ये बात बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 13वां पॉइंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो द पैलेस इन विच द ईयर स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर एज। देखो आपको 15 ईयर के भीतर आपने जो भी क्वालिफिकेशन करी है, ठीक है, आपको यहाँ पे 10वीं के बारे में बता देना है, 12वीं के बारे में बता देना है, और बीए अगर आपने की है तो बीए के बारे में यहाँ पे मेंशन कर देना है आपका। देखो स्कूल का नाम आपको और एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे डेट, आपने डेट मतलब कब आपने एडमिशन लिया, और यहाँ पे मतलब उस पे लिखी आती है ना वो परसेंटेज, उस वो आपको फिल कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। और आपने 10वीं एग्जाम पास की, वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। और आर यू होल्डिंग द हैव टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये 14वां पॉइंट समझ लो, गवर्नमेंट ऑफ इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया है अगर आप पहले से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसी में कर्मचारी हो, फिलहाल सपोज करो आप किसी जॉब करते हो, किसी बैंक में जॉब करते हो, है ना। तो बैंक में आपको अगर 2 साल हो गए हैं या 1 साल हो गया है, तो आपको क्या है, आपने कब वहाँ पे ज्वाइन किया, कब आपने लीव किया, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, क्योंकि जब भी आप ज्वाइन करते हो ना तो वहाँ से एक आईडी मिलती है आपको, तो वो आपको यहाँ पे शो करनी है अगर आप हो। अगर आप नहीं हो तो आपको ये खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसमें क्रॉस नहीं लगाना है, बस आपको खाली छोड़ देना है ये ऐसे कैसे सेम, ठीक है। और लास्ट में कुछ आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, वो आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 14वां पॉइंट आपको समझ में आ गया, 14वां पॉइंट भी 14वां पॉइंट अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। द इन द प्रीवियस एम्प्लॉय वाज द अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इसमें बोला गया है कि आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी या आपने कहीं भी भारतीय सेवा में सेवा की है, ठीक है, और उसका ये रूल है इनका, ठीक है, इसके अनुसार आप पे कार्रवाई होगी। सीधा सीधा समझ लो, इसमें कोई खास इतनी बात है नहीं है। तो दो 15वां पॉइंट अब अच्छे से समझ लेना, मैं एक एक पॉइंट अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखो 15वां पॉइंट है इंपॉर्टेंट, हैव यू एवर बीन कीप्ट अंडर डिटेंशन। क्या आप कभी हिरासत में रहे हो, मतलब कैदी बने हो आप कभी, तो इसमें डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में रहना, ठीक है, कैदी। तो आपको यहाँ पे यस और नो, ये सोच समझ के आपको यस नो करना है। अगर आप रहे हो तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं रहे हो तो आपको नो करना है, ठीक है। तो ज्यादातर मुझे लगता है सब में आपको नो करना है अगर आपने कोई भी जुर्म नहीं किया है ना। सेकंड पॉइंट है, आप कभी अरेस्ट हुए हो, अरेस्ट हुए हो तो यस, नहीं हुए तो नो, ठीक है, नो, नो पे टिक करना है, ठीक है। इसमें सेकंड दिया गया है कि आप किसी क्रिमिनल केस में कभी आपका नाम आया है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, द क्रिमिनल केस पेंडिंग द अगेंस्ट एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड टाइम ऑफ फिलिंग इन द अटेंशन फॉरम, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि आपका कोई केस है जो फिलहाल अभी किसी थाने में चल रहा है, ठीक है, या किसी कोर्ट में चल रहा है, तो आपको यस और नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ई वाला पॉइंट समझ लेना है, हैव यू एवर बीन कॉन्विकेटेड बाई द कोर्ट ऑफ लॉ एनी ऑफिस, ऑफिस नहीं है ये ऑफेंस है हालांकि, ठीक है, तो इसमें भी आपको नो कर देना है, ठीक है, कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है क्या कोर्ट में। वेदर डिस्चार्ज एक्सप्लेन विदड्रॉ फ्रॉम एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंडर द गवर्नमेंट अदरवाइज, ठीक है। इसमें दिया गया है कि आप किसी सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी, आप कभी निकाल गए हो किसी कॉलेज से या किसी स्कूल से, देखो इसमें दिखा लिख रहा है यूनिवर्सिटी,
है ना, कि कभी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी में कभी लड़ाई दंगे हुए, क्या आप वहाँ से निकाले गए हो या नहीं निकाले गए हो, या आपकी अच्छे से आपने वहाँ पे पढ़ाई की है। तो इसमें आपको सीधा सीधा बोला है, अगर आपने कहीं लड़ाई की हो, किसी कॉलेज ने निकाला है, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, सबको नो करना है। अगर आपने इसमें से कोई भी गलती नहीं की ना, तो आपको नो पे टिक करना है। हैव यू एवर बीन डिवार्ड डिस्क्वालीफाई एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, आप SSC की तरफ से कभी चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने ऐसा कोई भी काम ना, आप किसी भी एग्जाम से नहीं निकाला आपको SSC ने, तो आपको नो करना है। ठीक है, तो सबको नो ही करना है में, है ना। और इसमें दिया गया है, इसमें अच्छे से, इसमें ये वाला पॉइंट, इसमें ये कहा गया है, आप इसमें सोच समझ के आपको यस और नो करना है। ठीक है, अगर आपने वो काम किया है तो आपको यस करना है, अगर आपने उनमें से कोई भी काम में नहीं किया है तो आपको नो करना है। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, 9वां नंबर का। इसमें भी ये कहा है, अटेंशन फोरम के बारे में इसमें कहा गया है कि यस और नो सोच समझ के करना है। ठीक है, और 16वां पॉइंट, ये खाली छोड़ना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है ये वाले पॉइंटों में। ठीक है, आपको 16वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16वां पॉइंट बहुत बच्चों के समझ में नहीं आएगा, पर मैं आज आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, 16वां पॉइंट आपने समझ लेना है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, ऑफ टू रेफरेंस ऑफ हुम यू आर नो। ठीक है, इनमें इसमें दिया गया है कि जो लोग आपको जानते हैं, जैसे सपोज करो आपके पड़ोसी आपको अच्छे से जानते हैं, तो आपके पड़ोसी कोई भी हो, आप उनसे बोलना कि यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली जगह है ना, इन पे नाम लिखना है उनको, उनका आपको, और उनका आधार नंबर वगैरह हो उनके पास तो वो लिख लेना है, उनके फादर नेम। जिस तरीके से सपोज करो मैं ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है राम, आपका पड़ोसी का नाम राम है, सन सन ऑफ उसके पिता का नाम है उसके पिता का नाम है श्याम, है ना, श्याम उसके पिता का नाम है, तो यहाँ लिख दिया राम सन ऑफ श्याम, मैं इसको इतने सालों से जानता हूँ और इनका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, और बस यही है, मैं इनको, इनका व्यवहार अच्छा है, और मैं और अपने उनके साइन करवा लेने हैं, जैसे राम के यहाँ पे साइन करवा लेने हैं। ठीक है, इस जगह ये हो गया पहला। इसमें दो 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 लोगों का नाम दिया गया है, तो दूसरा लोग यहाँ पे आप पकड़ लेना, किसी जैसे कमल, दूसरा का नाम कमल है, उसका सन ऑफ फादर यहाँ पे, और उनका यह पता पता भी लिखवाना है। ठीक है, ऊपर वाले में भी एड्रेस लिखवा लेना है, और यहाँ पे उनसे साइन करवा लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोगों को नाम आपको लिखवाने हैं। एक और आपको काम करना है, मैंने एक दोस्त से बात की है, आपको उनका आधार आधार आईडी और एक बार उनकी फोटोकॉपी ले लेनी है, थोड़ी सुविधा के लिए। मेरा दोस्त बोल रहा था कि जो जो जिसका जो यहाँ पे ये गवाही देता है ना, ये वाला जो रेफरेंस जो पर्सन है, उसकी आपको आईडी एक रखनी चाहिए अपने साथ में। अगर वो नहीं देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो दे दे आपको तो आप उसको उससे जरूर ले लेनी है। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको, क्या पता आपसे मांग ले वहाँ पे, वैसे तो यही है। और अगर आप अब इसमें यहाँ पे ये इसका सीधा सीधा मतलब है, इसमें ये दिया गया है कि आपने सारी शर्तें कंप्लीट कर ली है, आपको, आप इन शर्तों के बारे में सब कुछ जानते हो। ठीक है, और खुद आप इन सारी शर्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, आपने जो भी बातें लिखी है यहाँ पे सारी बातें सत्य लिखी हैं। ठीक है, आपने कोई झूठ नहीं बोला है। ठीक है, और आप बिल्कुल फिट हो। ठीक है, आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं, सपोज कर आपका नाम जो भी है, आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, और सिग्नेचर की वो डेट है ना, वो अभी आप शायद मत डालना। ठीक है, अभी डेट मत डालना, जिस दिन आप वहाँ पे जाओ ना, तब वहाँ की डेट डाल सकते हो आराम से। ठीक है, स्थान भी जहाँ, जैसे आपको आपने गांव का भी स्थान, स्थान की बजाय आप अपने जिले का नाम लिख दो, जैसे आपका जो भी जिला है ना वहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ सिग्नेचर आपके करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, खुद के सिग्नेचर होंगे कैंडिडेट के। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो समझ में आपके अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, और ये ऑफिस का वर्क है, तो ये आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है द फील्ड ऑफ द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये फॉर्म बनवाना है। देखो मैं इसका वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ, फिर भी आपको थोड़ा मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम आएगा, और यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, और यहाँ पे जो आपका बना रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको लिखेगा कि मैं इतने सालों से इसको जानता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बना रहा है आपका, दो लोग चाहिए इसमें, तो मैं चाहता हूँ कि आप, आपके
पास में अगर कोई प्रिंसिपल हो, जो गजेटेड ऑफिसर होता है ना, गजेटेड ऑफिसर होता है 5400 पे ग्रेड से ऊपर वाला, ठीक है, तो वो आपके आसपास हो ना, उनसे आपको साइन करा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनका नाम आएगा जो आपको साइन करेंगे ना, वो ज़्यादा वो इस फॉर्म को आपको फिल नहीं करना है, ठीक है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आपको इस फॉर्म को आपको फिल नहीं कर रहा है, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाएगा ना वो खुद फिल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आएगा और यहाँ उनका पैलेस आएगा जहाँ पे वो काम करते हैं, यहाँ पे उनके सिग्नेचर आएंगे उस डेट को जिस दिन उन्होंने बनाया और वो कौन से पद पर कार्य करते हैं। सपोज करो वो SDM है तो वो यहाँ पे SDM फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, डेजिग्नेशन का अर्थ होता है पद, ठीक है, इसका अर्थ होता है पद के कौन से पद पर कार्य करते हैं। और ये आपको पता है कि आपको ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साइन करवाने हैं, यहाँ पे ऊपर वाले पे क्या करना, आप ऊपर वाले पे किसी जो आपके आसपास लोग हैं ना उनसे करवा ले जाना, जो गजिटेड ऑफिसर है जो आपको जानते हो, क्योंकि SDM तो आपको प्रॉपर जानेगा नहीं, तो एक यहाँ पे साइन करवा के आप पहले लेके जाना, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल हो या कोई और हो, आपके पास कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को भी गजिटेड ऑफिसर होता है जो 5400 पे ग्रेड वाला, वो भी आपको कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनके साइन करवा लेना, गजिटेड ऑफिसर्स का वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है, वो आप चाहे तो देख लेना कि कौन कौन होता है, तो मैंने सब कुछ समझाया है, पर यहाँ पे एक एक अदर पर्सन का, यहाँ पे SDM का, ठीक है, यहाँ पे SDM का ही करवाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला नीचे वाले में SDM, ऊपर वाले में, जब ऊपर वाला होगा ना तो SDM अपने आप कर देगा, और आपके पास जब थाने का SHO का बना हुआ आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा ना, मतलब आपके पास आप क्रिमिनल नहीं हो, तो SDM वैसे भी कर देगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल, इनमें से जो भी है आपके आसपास तहसील में मिल जाएगा आपको और या जिले में मिल जाएगा आपको, तो वहां जाके आपको करवा लेना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये दो चरित्र प्रमाण पत्र है आपको दोनों बनवा लेने हैं, ठीक है, दोनों में सेम ही है, सेम ही बात है, उसमें इंग्लिश में लिखा है, इसमें हिंदी में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम और ये उनका पद, और ये पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि इसको शायद SDM रख सकता है, पर SDM इसको रखेगा नहीं, अगर SDM को आप पे थोड़ा डाउट है या अपनी सुविधा के लिए वो आपसे इसकी फोटोकॉपी मांग सकता है, ठीक है, वो बोलेगा आपको इसकी फोटोकॉपी आप हमें दे जाओ। तो ये ऐसा मेरे दोस्तों से लिया था, तो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आपको बनवा लेना है, दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको, ठीक है, एक हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, सेम ही लोगों से बनवाने, ऐसा नहीं कि इसके लिए दूसरे के पास जाए, दोनों में सेम ही नाम, यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे वो, और मतलब नाम तो चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों जगह, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में ये दोनों दिए गए हैं आपको, अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको पता है, आपको ये आपके जो पास में थाना है SHO इसको बनाएगा, ठीक है। अब मैंने ऑनलाइन करने वाला भी आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से ऑनलाइन किया है, वो पिछला वीडियो ना मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला, वो जरूर देख लें आप। यहाँ पे आपका नाम आएगा, ये फादर नेम, यहाँ पे आप जिस गांव से निवास करते हैं वो आएगा, आपकी पोस्ट कौन सी लगती है वो, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जिसमें आप बनवा रहे हो उसका नाम आएगा, और कौन सा जिला आपका पड़ता है और कौन सा स्टेट है आपका, ठीक है। और इस तरह के SHO यहाँ पे अपना साइन करेगा और यहाँ पे अपनी सील लगा देगा, उस दिन की डेट यहाँ पे डलवा लेना, ठीक है। पर आपको जब SHO जब बनाएगा, जब आपके पास है ना ये वाला कंप्लीट फॉर्म, आप फिल करके लेके जाना उसके पास, ठीक है, ये वाला कंप्लीट फॉर्म फिल करके लेने जाना। और ये पॉइंटों के बारे में मैं आपको पहले पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ अच्छे से, ये आप वहाँ जाके समझ लेना, ठीक है। और ये आपके पास इस तरीके से आपका फॉर्मेट आता है, मैंने समझा चुका हूँ, ये आपका सेंटर है, ये यहाँ से आया हुआ है, और ये आपका एड्रेस होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सब कुछ आपके अच्छे से आज समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके नहीं समझ में आया हो आप नीचे कमेंट कर दें, ठीक है दोस्त, कमेंट कर दें, आपकी जो भी कमेंट है मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, आप अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे छोड़ दिया करो, जो भी आपके फ़ोन नंबर है, और लिख दिया करो सर हमें कॉल कर लो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है ना, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्त, ठीक है, आपका सब्सक्राइब करने में अगर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी, ठीक है, पर मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि मैंने आपको अगर इतने सारे वीडियो, इतनी मेहनत की है ना, तो उनका कुछ तो मुझे फल मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें यार, चाहे कोई भी बंदा इस वीडियो या लड़की, जो भी भाई बहन मेरे देख रहे हैं, सारे इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, पहला काम। और इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों को जिनको नहीं पता है ये कहाँ से कैसे बनवाने, वहाँ वो भी आपको इनको उनके साथ उनको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आप कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर देना, मैं और भी वीडियो लाइव आके आपको समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, और हैप्पी जर्नी, आप जो देश के लिए जा रहे हो उसके लिए जय हिंद, थैंक यू।